हास पटका इसको देखती हूँ और आई के साथ बड़ी बनाने रखती हूँ चलते हैं नीचे है

अरे रोटी थोड़ी ये गुड़ कल है हंस के दिखा नहीं हंस के दिखा आँख पोषन दे आँख पोषन दे रोज़ तो तू हंसना थे ना मस्ता क्या क्या हंसना था किसी हंसने को पटका पटका हाय फ्रेंड्स मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो ये व्लॉग है 21 मार्च का तो यहाँ पे अभी जो है ना सुबह सुबह पीहू पीहू ने सॉरी अनाया स्कूल चले गई और पीहू भी उसे छोड़ने गई है और सुबह ही आई ने बड़ी का काम जो है ना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग दाल भिगोनी होती तीन चार घंटे के लिए रात भर भिगो के नहीं रख सकते दाल तो बस यहाँ पे जो आई इसके छिलके निकालने की पूरी प्रोसेस कर रही है और आई जो है ना बिल्कुल जो ट्रेडिशनल पद्धत होती ना तरीका तो उसी तरीके से बिल्कुल मतलब वड़ी जो है ना यहाँ पे बनाती है तो बस यहाँ पे आई का वही का काम चालू हुआ है मैं नीचे आई हुई थी अनाया को छोड़ने के लिए क्योंकि अभी अनाया जो है ना स्कूल गई है और आज पीहू भी उसे ड्रॉप करने गई है अपने पापा के साथ अनाया का स्कूल जो है घर के काफ़ी पास है तो ये सुबह का नज़ारा नीचे से हमेशा आपको ऊपर से दिखाती हूँ मैं सुबह सुबह का नज़ारा तो ये आज देखते हैं नीचे से तो यहाँ से जो है मैंने अपनी ब्लैक टी के लिए जो तुलसी है ना वो तोड़ ली है अक्सर नीचे नीचे से ही जो ना मैं तोड़ा करती हूँ कभी कभी जो होता है रियरली ऊपर से तोड़ती क्योंकि वैसे भी ऊपर की तुलसी में पत्ते उतने ज़्यादा नहीं हैं तो नीचे से ही तोड़ के लेके जाती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट जो है ना नीचे तुलसी के लगे हुए हैं और साथ ही में मैंने यहाँ पे पूजा के लिए फूल भी तोड़ लिए थे फिर बार बार नीचे ऊपर करने में ना मुझे भी त्रास आता है तो मैंने सोचा कि नहीं फूल भी साथ में ही लेके चलते हैं ऊपर तो यहाँ पे ये प्लांट दिखा रही थी जब ये लाए थे ना तो बिल्कुल एक ही पत्ता था इसमें तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि आप कैसा प्लांट लेके आए हो लेकिन अभी इतना प्यारा लगता है न प्लांट बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है वो प्लांट तो बस अभी आ गए हैं ऊपर अब बनाएंगे चाय तो चाय यहाँ पर मेरी बन रही है और सुबह जो है ना मैंने अनाया को मेथी का पराठा कर दिया था तो जो दो पराठे का आटा था मैंने रख दिया था पीहू के लिए तो यहाँ पे जो है मैं अपनी चाय लेके बैठी हूँ जैसे कि आपको पता है कि 10-15 मिनट में चाय लेके बैठती हूँ क्योंकि रिलैक्स लगता है अभी जैसे पीहू अनाया गई तो अनाया का मैंने सुबह तैयार किया उसका लंच बॉक्स बनाया तो मतलब सुबह का टाइम ऐसा होता है ना अगर बिज़ी निकला हो और थोड़ी देर बैठ जाओ तो अच्छा लगता है तो वही मैं चाय के टाइम पे आराम से दस पंद्रह मिनट बैठ जाती हूँ अब यहाँ पे जो है ना मैंने पीहू के लिए भी पराठे बना दिए ताकि वो नाश्ता कर ले क्योंकि पीहू को जो है ना खाना बहुत ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है तो सुबह नाश्ता वो कर लेती है अच्छे से सुबह से भूख लगी होती है हल बल्कि जो दोपहर का खाना होता है ना वो उसे बोल बोल के खिलाना पड़ता है तो बस यहाँ पे जो है मेथी का पराठा मैंने बना लिया है और इसमें हल्का तीखा जो ना ज़्यादा रखा था इसलिए बाबा के लिए पराठा नहीं बनाया और बाबा की तबीयत अभी जो है ना थोड़ी ठीक नहीं चल रही तो बाबा पराठे वगैरह सब कुछ नहीं खाएंगे तो उनके लिए बाद में जो है मैं दलिया बनाऊंगी और यहाँ पे दही दे रही हूँ बच्चों को मेरे दही बहुत ज़्यादा पसंद है और पीहू को मतलब दही में ना शुगर चाहिए ना सॉल्ट चाहिए वो ऐसे ही खाती है तो यहाँ पे पीओ को दही पराठा दे दिया है तो मतलब बहुत अच्छे से वो खा लेगी उसे बोलना नहीं पड़ेगा कि खा करके और यहाँ पे है अब कुछ काम पड़े थे पेंडिंग और मलाई काफ़ी दिन से जो है ना फ्रिज में जमा रखी हुई थी सोचा निकालूंगी निकालूंगी लेकिन टाइम नहीं मिल पाया फिर बीच में मैं पंद्रह दिन के लिए अपने मायके के चली गई तो बस यहाँ पे जो है मलाई का जो काम है वो चालू है लोनी से निकालना तो लोनी मतलब बटर तो बस थोड़े से आइस क्यूब्स इसमें डाले हैं तो डाल दो ना तो जल्दी से अच्छे से ये निकल जाती है तो एक एक बैच करके इसी तरह से ना तीन बैच मैंने निकाल निकाले हैं और इस तरह का, का काम करना ना मुझे बहुत पसंद है कुछ बना के रखना स्टोर करके रखना या इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पता नहीं मुझे एक अलग सा शौक है इन सारी चीज़ों का तो और घी घर में घी निकालना मतलब बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात इसलिए क्योंकि एक अलग सी फीलिंग आती नहीं यार मैंने घी निकाला मैंने घी बनाया है करके मैंने मलाई स्टोर किए घी बनाया इस तरह की मुझे फीलिंग आती है क्योंकि ये सारे काम मैं अपने घर पर नहीं की थी लेकिन नहीं किए थे लेकिन यहाँ पे आके मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है शौक आता है मुझे करने का तो बस यहाँ पे बाबा के लिए जो मैंने मीठा दलिया बना दिया था वो तीखा कुछ नहीं तीखा तो वैसे भी वो खाते नहीं है लेकिन अभी जो जितना वो खा रहे थे वो भी नहीं खा पा रहे क्योंकि उनके मुंह में जो है ना छाले आ गए थे तो बाबा के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया था मीठा वाला दलिया तो बस घी में जो है सूजी को मैंने भून लिया है और उसमें अब इसके बाद डालूंगी दूध और साइड साइड में जो है ना लोनी जो है मैंने पकाने रख दी थी ताकि घी बन जाए इसका तो दोनों ही साइड बाई साइड काम चल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी है शक्कर जितनी भी इसमें लगने वाली है साथ ही में थोड़ी सी इलायची जो इसका फ्लेवर ना और अच्छा कर देती है और इस तरह का दलिया ना मीठा वाला काफ़ी अच्छा लगता है तो बहुत आ, मुझे भी पसंद है तो घी जो यहाँ पे बन गया घी मेरा आज बहुत जल्दी बन गया था समझ में नहीं आया यार अभी गैस में गंजी रखी थी और दलिया जब मैं बना रही थी ना उतनी देर में जो घी है ना पक्के बिल्कुल रेडी हो गया था नहीं तो कभी कभी होता है काफ़ी टाइम ले लेता है ये और घर में जो बना हुआ घी होता है उसकी जो सेंट होती है ना बहुत अमेजिंग होती है तो और बनने के बाद जो एरो चलता है ना मतलब बताता है कि नहीं ये देसी घी है तो ये मेरा देसी घी रेडी है और यहाँ पर जो दलिया था वो भी पक्के तैयार है तो इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूँगी क्योंकि बाबा को नहीं चाहिए थे तो बस एक प्लेट आपको कटोरी मतलब सर्व करके दिखा रही इसमें थोड़े से बादाम मैंने डाले हैं तो मॉर्निंग के जितने भी मेरे काम थे सारे काम हो गए किचन वगैरह भी प्रॉपरली क्लीन हो गया है और सलाद जो है ना मैंने काट के रख दिया है यहाँ पे तो और जो शेड्यूल था जूस का तो वो जूस भी ले लिया तो बस एक घंटे बाद सलाद जो है वो खाऊंगी और अभी जा रही हूँ नीचे क्योंकि अभी ना आई बना रही है वड़ी तो आई के साथ वड़ी बनाने लगूंगी तो समर के जो काम है वो भी स्टार्ट हो गया मतलब वड़ी बनाना पापड़ बनाना ये सब कुछ स्टार्ट हो गया तो बस अब यहाँ से जाऊंगी नीचे और आई को बनाने लगूंगी वड़ी और दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं किस तरह से बनाती है वो और बिल्कुल वो ट्रेडिशनल जो मेथड होती है ना वो फॉलो करती है मतलब बिल्कुल उसको सिलबट्टे में पीस के उसके बाद उनको बनाती है तो यहाँ पे मेरा कलरफुल सलाद है और अब मैं जाती हूँ नीचे क्योंकि बच्चे मैं न जो स्कूल से भी आ गई होगी तो बस उसको देखती हूँ और आई के साथ बड़ी बनाने रखती हूँ तो चलते हैं नीचे क्या स्कूल से आ गई कौन सा डांस है कैसे करते इधर 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 देख देख के के करके दिखाना है इधर अभी अच्छे से हाँ <laughs> कार्टून <laughs> नहीं ना टम टम सॉन्ग में डांस आ? अरे वाह चल ठीक है आ? तो यहाँ पे है दाल जो ने सुबह धुल के बाहर धूप में थोड़ी देर के रखी थी सुखाना नहीं है लेकिन इसका जो थोड़ा सा मॉइस्चर है ना ऊपर का वो बिल्कुल ड्राई करना है इसे मतलब दाल सुखानी नहीं है लेकिन थोड़ा सा उसका जो पानी होता है ना वो निकल जाना चाहिए ताकि पीसने के बाद दाल पतली पतली ना रहे थोड़ी सी थी रहनी चाहिए तो वड़ी जो होती है ना बहुत अच्छे से इसकी बनती है तो एक दो घंटे के लिए आई ने ऐसी धूप में तो नहीं लेकिन ऐसे बाहर कपड़े के ऊपर बिछा के दाल रख दी थी ताकि थोड़ी सी ये इसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए तो इस तरह से यहाँ पे आई इसे बिलबट्टे में पीस रही है और थोड़ी थोड़ी वो पीसती जा रही थी और मैं यहाँ पे वड़ी जो है ना बनाती जा रही थी तो जैसे ही आई की दाल हो गई तो आई भी जो है ना साथ में हम दोनों ने मिलके जो है वड़ी बनाई थी और जो सिलबट्टे में पीसी हुई वडी होती है ना मतलब पीसी हुई दाल से जो वड़ी बनती है उसका जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है जो मिक्सी में दाल बनती है उससे तो ये टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है सारी वड़ी जो है तैयार है तो मतलब एक दो घंटे एक नहीं सॉरी डेढ़ घंटे में हमारी जो वड़ी थी ना पूरी बन गई थी ज्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि आई पीसती जा रही थी और मैं बनाती जा रही थी और नाया यहाँ पे आ गई है खेल करने के लिए अब यहाँ पे जो आई का आज उपवास था तो आई के लिए जो भगर वगैरह साबुदाना कुछ नहीं बना था क्योंकि हम दोनों ही बिजी थे वड़ी के काम में तो उसके बाद जैसे ही वड़ी बन गई थी हमारी डेढ़ बजे तक हमारी वड़ी बन गई थी उसके बाद मैंने आई के लिए यहाँ पे कुछ जो पापड़ वगैरह होते हैं ना वो फ्राई कर दिए थे ये सारे ही पापड़ और चिप्स वगैरह मैंने घर पर ही बनाए थे लास्ट ईयर तो यहाँ पर दो तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पापड़ होते हैं ना साबुदाने के वो बनाए हैं और चिप्स भी बनाए तो इनकी भी रेसिपी बहुत जल्दी आएगी मतलब अभी जो समर का काम स्टार्ट हो ही गया है तो धीरे धीरे सारी ही चीज़ें बनेगी तो मैं दिखाई थी कि दूसरे टाइप के जो है ना साबुदाने और आलू के पापड़ है तो ये भी सारी जो रेसिपीज़ है आगे शेयर करूँगी जैसे ही टाइम मिलेगा अभी काफ़ी ज़्यादा बादल वगैरह चल रहे तो अभी तो नहीं बनाने वाले जैसे ही निकल जाएगा ना तो फिर ये सारे पापड़ वगैरह मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी जो ना शेयर करूँगी मेरे बच्चों को तो साबुदाने के पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये ये वाले जो आलू के साथ बने हुए हैं और बस यहाँ पे सारे पापड़ तैयार है और ये अब शाम का टाइम हो गया है शाम के टाइम पे भैया और ताई आए हुए थे मतलब करीबन साढ़े चार पाँच बजे का टाइम है ये और दोपहर में मैंने रेस्ट किया था उसके बाद नीचे आई तो ताई और भैया भी आए थे तो भैया ने यहाँ पे जो है हमेशा की तरह अपना कच्चा चिवड़ा मतलब भील बना के रखी है ताई फिंगर्स फ्राई कर रही थी तो बस हम लोगों ने बैठ के फिर साथ में कुछ टाइम स्पेंड किया ये सब कुछ नाश्ता वगैरह किया और थोड़ी देर बाद वो लोग फिर चले गए थे बस इसके बाद खाने का टाइम होता है शाम के तो यहाँ पर मैंने दाल चावल का कुकर जो है ना वो लगा दिया है दाल चावल इकट्ठी लगाती हूँ आप लोगों को पता है और जो मैंने सुबह वड़ी बनाई थी तो पिछले साल की जो वड़ी रखी हुई थी ना तो उसकी मैं सब्जी आपको लो, आ, मतलब सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ आज सुबह वड़ी भी बनाई है और लास्ट ईयर की काफ़ी सारी वड़ी रखी हुई है तो यहाँ पे बस मसाला प्रिपेयर कर रही थी जिसके लिए मैंने प्याज अदरक लहसुन और थोड़े से टमाटर और जीरा वगैरह डाल के ना इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है मोस्टली मैं सारी चीज़ें काट के डालती हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ लेकिन मैंने आज सोचा कि नहीं आज पीस के बनाते मसाला तो बस यहाँ पे वही सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ तो नॉर्मल सा तड़का लगाना है थोड़ी सी राई डाल दी है जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है और इसे तब तक भूनूंगी जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए और आज है ना मैं आप लोगों को मेरे घर का काफ़ी सारा स्टोरेज दिखाऊंगी तो ये सारे डिब्बे जो रखे ना इसमें सब जो हम लोग गर्मी में बना के रखते पापड़ वड़ी वगैरह सब कुछ तो सेवई वगैरह सारी इन डिब्बों में ना पैक है तो बस बाबा को यहाँ पे बुलाया था जो पिछले साल की वड़ी रखी हुई थी ना उसका डिब्बा निकालने के, क्योंकि डिब्बा ऊपर था तो मैं किचन में थी तो बाबा आ गए थे निकालने के लिए तो बस यहाँ पर बाबा ने डिब्बा निकाल के दिया है तो ये है लास्ट ईयर की वड़ी दिखाती हूँ मैं आपको तो इतनी रखी हुई है लेकिन फिर भी अभी नहीं बनाई है क्योंकि पूजा के लिए लगती है तो नई वड़ी बनाइए तो बस यहाँ पे सब्जी के लिए थोड़ी सी वड़ी निकाल लूंगी जितनी सब्जी मुझे बनानी है तो और बाबा के लिए सब्ज़ी नहीं बनाई है आज क्योंकि बाबा जैसे मैंने बताया था ना बाबा से नहीं हो रहा है नमकीन वगैरह भी खाना तो बस दाल चावल वगैरह वो खाएंगे रात में तो उनके लिए सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई थी मैंने तो यहाँ पे हमारे लिए जितनी बड़ी लग रही थी उतनी निकाली अब दूसरा स्टोरेज दिखाती हूँ तो यहाँ पर एक स्टोर रूम है जिसमें बाकी की चीज़ें स्टोर की जाती है तो यहाँ से मैं लेने आई थी जवारी का आटा क्योंकि आज बनेगी जवारी की भाकर मोस्टली भाकर आप देखते हो और ये तीसरा स्टोरेज का है जो निकाली हूँ यहाँ पर मतलब ये छोटा डिब्बा है लाल मिर्च पाउडर का इससे बड़ा जो डिब्बा है ना ऊपर आपको दिखाया था उसमें भी रखा हुआ है तो ये छोटा डिब्बा यहाँ पे रहता है इसके ऊपर जो रहता है वो बड़ा डिब्बा रहता है जो आपको सज्जा मैंने दिखाया है अब बस मसाला जैसे ही हो गया था तो इसमें सारे मसाले मतलब सिर्फ लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर थोड़ा सा ना गर्म मसाला इसमें मैंने ऐड कर दिया था ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डालना है और सब्ज़ी ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है और नॉर्मली अगर प्याज टमाटर काट के भी बना रही हो ना तो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मैं रेगुलर वैसे ही बनाती हूँ लेकिन आज सोचा कि इस तरह से बना के देखती हूँ तो सब्ज़ी अच्छी बनी थी इस तरह से भी वड़ी की तो बस थोड़े सा इसमें मतलब वड़ी डालने के बाद एक दो मिनट चलाया ज़्यादा इसको तेल में पकाना वकाना कुछ नहीं है इसके बाद पानी डाल दिया है गर्म वाला भाकर के लिए रखा ही था तो यही वाला पानी इसमें ना मैंने ऐड कर दिया भाकर का आटा यहाँ पे निकाल लिया है भाकर का आटा मतलब जवारी का आटा जितनी भी भाकर बनने वाली थी उतना आटा यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ पीहू फिर से हमारी रिकॉर्डिंग करते हुए तो हम दोनों यहाँ पे किचन में काम कर रहे थे और यहाँ पे ना मैं सब्जियाँ कट कर रही हूँ हस्बैंड के लिए सूप बनाना था रात के लिए तो बस उसी के लिए सब्जियाँ यहाँ पे कट कर रही थी और सूप की रेसिपी मैंने इसके पहले शेयर की लेकिन वो जो सूप मैंने बनाया ना वो कट करके बनाया तो आज जो है ना मुझे पीस के ही सूप बनाना था तो यहाँ पे जो है सब्जी रेडी है बन चुकी है अच्छे से पक चुकी है और इससे ज़्यादा पकाने की मुझे जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में देखा होगा मैंने पानी काफ़ी रखा था तो पानी जो है इसका ना पूरा ऑट गया है सूख गया है अब जो भाकर है भाकर भी बन रही है कुछ बन गई है और एक और बननी बाकी थी और ये रहा सूप जो मैंने हस्बैंड के लिए बनाया है आज आज सारी सब्जियां पीस के बनाइए इस नहीं तो फिर मैं क्या करती हूँ ना कि कट करके सब उनके लिए सूप बनाती हूँ तो ये रहा आज का खाना और ये था आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक बाय बाय टेक